वी विल स्टडी एबीसीडी ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो मैंने आपको कौन सा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोला था? तो एनसीईआरटी क्लास 12th पार्ट 2। हाँ, तो आप लोग डाउनलोड कर लिए कि नहीं? यस सर। यस सर। सच बोलो, झूठ बोल के फायदा क्या है? आप मिथ्याम, आप मिथ्याम वादा करते हो फिर बाद में रोते हो, है कि नहीं? इसलिए आपको मिथ्याम वादा नहीं करना चाहिए ना। अगर आप मिथ्याम वादा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। 12th केमिस्ट्री 2, तो इसलिए आप तो लाए नहीं होगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो फाइल आपको मैं दे दूँ। मैं वो सोच रहा हूँ फाइल आपको क्या भेज दूँ। ये किया मैंने कॉपी। ये तुम्हारा ग्रुप का है मेरा। ओ, ये पेस्ट नहीं होगा तो मैं उसको उठा के ला रहा हूँ। क्या है वो? यस, जेसीआरटी ना। एनसीईआरटी जनवरी 12 to 5। तो मैं आपको एक फोल्डर भेज, फाइल भेजा हूँ, तो आप देख लेना, उसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब जा रहा है आपके व्हाट्सएप में। एक्चुअली वो तो थोड़ा स्लो सिस्टम है, 3 MB का फाइल है। हो गया, देखो अब मिल गया क्या? यस सर। ये सब पहले से ही है। यस सर। हाँ, तो पहले से तो है, तो अब तो झूठ बोल रहे हो ना। ठीक है, सर पूरा बुक खरीद लिया है। चलिए, सो लेट अस सी। तो उसमें क्या है, आपको यही बुक पढ़ना है। तो क्योंकि ना हमारा जो बायो वाला जो एनसीईआरटी है उसमें कुछ नहीं है, तो इसमें आपका एक टॉपिक होगा A to Z ऑफ एमिनो एसिड्स। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी बुक में ही करा दूंगा, ओके? तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर किया जाए। चलिए, ये दिख रहा है आपको? सो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द क्या, A to Z। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, ये सीक्वेंस में नहीं दिया है, तो फिर इसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस पे से स्ट्रक्चर ले लेना है, ठीक है। तो मैं आपको टाइप कर देता हूँ, बट आपको जो ये लेना है क्या, जो A to Z ऑफ क्या, बेसिक 20 एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो बेसिक 20 एमिनो एसिड्स, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z ऑफ बेसिक 20 एमिनो एसिड्स। उसमें अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा? फाइन, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, ओके। तो अब हम लोग लिखेंगे सिंगल लेटर कोड। तो तुम लोग तो वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए तुम लोग का वीडियो भी अभी अपलोड नहीं हो रहा ना, तो इसलिए तुम लोग लिख लोगे बैठ बैठ के साथ में, और क्या। सिंगल लेटर कोड, तो ये जो सिंगल लेटर कोड
इतना बड़ा होना चाहिए कि बस एक ही अक्षर आएगा। ओके, तो ये सिंगल लेटर कोड हो गया। उसके बाद आ जाएगा ट्रिपल लेटर कोड। सर आपने वीडियो में कमेंट्स भी क्यों ऑफ कर दिया है? कौन सा वीडियो में? सर आपका ट्यूशन वाला वीडियो कमेंट्स का टर्नड ऑफ दिखा रहा है। पता नहीं, मैं देखता हूँ, अगर होगा तो ऑन कर दूंगा। वो कुछ ना कुछ वो लोग करते रहते गधे लोग, मैं देख लूंगा। मैं तो चाहता ही हूँ कमेंट्स। चलिए, तो ये सिंगल लेटर कोड, ट्रिपल लेटर कोड, उसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ द अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो ये आपका नेम आ जाएगा एंड फिर रिमार्क्स या प्रॉपर्टीज। तो इसमें एक चीज मैं नहीं बनाऊंगा, रिमार्क्स और प्रॉपर्टीज, तो उसका स्ट्रक्चर तो वो मैं बना देता था अगर मेरे वीडियोस में देखोगे होगा, पर उतना वक्त हमारे पास है नहीं, तो इसलिए वो आप वो जो एनसीईआरटी बुक से लिख लेंगे। ठीक है, सो दैट यू विल राइट फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। चलिए, तो आप इसमें जो आप एबीसीडी पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो पहले हम लोग धड़ाधड़ नीचे नीचे क्या लिख देंगे, एबीसीडी। तो ऑलवेज सिंगल लेटर कोड जो है वो किस अल्फाबेट में होगा, कैप्स में। ठीक है, तो ऑलवेज सिंगल लेटर कोड हम लिखेंगे कैप्स में। ओके, ए बी सी, ए बी में कुछ होता नहीं है इसलिए हम लिखेंगे नहीं, ए सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी Q R S T S, अभी इस पेज में S तक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल लेटर कोड। अब उसका ट्रिपल लेटर कोड लिख देंगे एंड साथ साथ चलेंगे। ठीक है, तो नाउ हम लोग ट्रिपल लेटर कोड लिखेंगे एंड आगे साथ साथ चलो, पहले नहीं तो लिख लेते हैं क्योंकि वो अलग कलर हो जाएगा ना। तो सिंगल लेटर ट्रिपल लेटर कोड में पहला कैप्स, दूसरा दोनों स्मॉल होना है। तो ए फॉर क्या हो जाएगा, तो ए फॉर एलानिन, एलानिन। ठीक है, तो ए फॉर एलानिन हो जाएगा, सी फॉर सी वाई एस, सिस्टेन, डी फॉर ए एस पी, ई फॉर ग्लू, एफ फॉर पी एच ई, जी फॉर जी एल वाई, H for histidine, I for isoleucine, J for, अरे बाबा रे कितना बड़ा गलती कर दिया तुमने, J से तो J J है, तो उसमें तो कोई अमीनो एसिड हो नहीं सकता। किसी का औकात है कि J J के नाम पे अमीनो एसिड रख देगा, समझ रहे हो? किसी का दम नहीं है, समझे, जेजेस के नाम पे एमिनो एसिड रख देगा। तो के है एल वाई एस, ल्यूसिन, मेथियोनिन, एस्पार्जिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, सेरिन, थ्रियोनिन। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, सो ये आपका हो गया ट्रिपल लेटर कोड। अब हम लोग लिख लेंगे नाम। नाम है एलानिन, सिस्टेइन। एक्चुअली मैंने जानबूझ के कैपिटल लिखा है ताकि आपको स्पेलिंग याद रहे, आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद है फिनाइल एलानिन। देखो एनसीईआरटी में सिर्फ चार पांच अमीनो एसिड है, बट जेसीईआरटी में सारा पढ़ना पड़ता है, हिस्टिडिन, इसलिए संचित गुस्सा हो जाता है इस चक्कर में, फिर कंप्लेन करने लगता है।
फिर आइसोल्यूसिन, वो मुंड है ना, उसका मुंड, उसका मुंडा में कुछ घुस जाने से वो गुस्सा हो जाता है, तो लाइसिन ल्यूसिन, और संबलपुरी में गाली देता है, मेथियोनिन, मुई 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 ऐसा करता रहता है। उसके बाद एस्पार्जिन, प्रोलिन। तुम लोगों को बोर्ड वर्क किसका अच्छा लगता है, कितना टीचर से पढ़ रहे हो? आपका, नीट एंड क्लियर, और वो भी टाइप्ड एंड क्लियर अक्षर होता है, समझ रहे हो? अब फिर भी आप लोग जेजेस को लाइक नहीं करते हो, सोचो क्या करेंगे अब भी। लव यू संचित को समझाओ कुछ। चलो तो आ गया, तो अब हम देखो कितना बढ़िया कलर हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे किसी और कलर से। नाउ जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, तो एलानिन क्या है, मैं जगह खाएगा तो इसलिए मैं इधर इधर से लेके आ जा रहा हूं। तो एलानिन जो है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट है, एमिनो एसिड में बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, सेकेंड स्मॉलेस्ट है, हाइड्रोफोबिक कॉमा नॉन पोलर एमिनो एसिड, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर साइड चेन होता है एंड ये सेकेंड स्मॉलर साइड चेन होता है, ओके। तो जितना छोटा होगा उतना आराम से बीटा शीट में आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्या। चलिए तो ये पहला अमीनो एसिड हो गया। सिस्टेइन जो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, तो उसको हम लोग एक और कलर से लिखेंगे, दैट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कॉमा ओनली अमीनो एसिड that can form yeah that can help in the formation of disulfide yeah linkage the only amino acid that can help in the formation of disulfide linkage to samajh rahe ho to disulfide linkage मैंने, अगर आप प्रोटीन में देख रहे हो कि क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो अगर आप प्रोटीन में डाइसल्फाइड, ये तो एनसीईआरटी के में कंसेप्ट भी नहीं है ये सब, तो इसीलिए ये सब के लिए आपको जेसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है, जिसको आपकी मना करता है संचित। सो जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड दैट कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो आप बताइए, चार डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो कितना सिस्टेइन है कम से कम, गैस करके बताओ। अगर देर आर फोर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन अ प्रोटीन, एट लीस्ट हाउ मेनी सिस्टेइन आर देयर, ये केवी पाई क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी जल्दी, आपको मालूम है हमारे पास एक ही चीज नहीं है, वो है टाइम, इससे जितना देर करोगे उतना कम पॉइंट मिलेगा। यू नो वेरी वेल आई कैन राइट ए स्टोरी बुक ऑन सिस्टेइन, समझ में आया? कोई एक चैट वाला है, नॉट टू वर्षा इडियट, चार तो है, तो देर आर फोर डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाउ टू विल फॉर्म फोर डाइसल्फाइड बॉन्ड। अभी तुम्हारा दो हाथ है, कितना हैंडशेक कर सकते हो, दो। तो उसी तरह से अगर एक प्रोटीन में चार, तो इसका मतलब आप ये लाइन समझ ही नहीं रहे हो। एट मिनिमम एट, क्योंकि और कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता है, सिर्फ सिस्टेइन बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? एक और सिस्टेइन के साथ। अगर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे तो उस तरफ कौन होना चाहिए, एक और सिस्टेइन, अदरवाइज डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे बनाओगे, आया समझ? तो अगर चार बॉन्ड है कम से कम आठ होगा, ऑप्शन में नहीं है, सबसे कम 10 है, तो कौन सा मारोगे,
बोलो 10 मारोगे क्यों? शायद आपको वो दो दिख नहीं रहा या वो बना नहीं रहे, ज्यादा दूर है भाई। बॉन्ड बनाने के लिए पास भी तो होना चाहिए कि नहीं? अब मेरा बहुत मन कर रहा है आद्य शक्ति से सेकंड करूं, बट नहीं कर सकता क्योंकि हम बहुत दूर हैं। बट अगर क्लासरूम में होती तो मैं कर लेता सेकंड। तो डाइसल्फाइड सल्फर एग्जिस्ट, दो ठो सिस्टेन है बट वो काफी दूर हैं, वो बॉन्ड बनाने के लायक नहीं होंगे। बट अगर 8 है तो वो बेस्ट आंसर होगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो छेड़ने वाला तो छेड़ देगा ना, तो आपको समझ के कंसिडर करना है। तो मिनिमम 8 होगा, मैक्सिमम 100 हो सकता है। अगर दूर दूर होंगे तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे गला। चलिए तो ये सब आप समझिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सल्फर कंटेनिंग ओनली अमीनो एसिड दैट कैन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है? तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पाते हो तो वो इतना पोचा पोचा स्मेल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सल्फर। जब लाश जलाया जाता है तो स्मेल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सल्फर। तो सल्फर जो है वो बायोलॉजिकल स्मेल देता है, एनिमल स्मेल देता है। इसीलिए सड़ा अंडा, आपका लैट्रिन, आपका पाड़ा, ये सब का स्मेल कैसा होता है? ये सल्फर स्मेल होता है। अंडरस्टैंड? अब सपोज लिपाक्षी देवी, आपका मम्मी को सिल्क साड़ी खरीदना है, तो हाउ विल सी चेक कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो वो देखोगे, मम्मी को पूछोगे तो वो बताएगी कि जो सिल्क साड़ी है उसमें आग लगा दो। तो आग लगा देने से क्या होगा? वो बर्निंग सल्फर स्मेल देगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा अच्छा ये सिल्क साड़ी था। अब तो खरीद तो नहीं सकते ना इडियट, तो इसलिए पूरा साड़ी में आग लगा नहीं देना। उसमें देखोगे लटकता हुआ सूता सब होगा, छोटे छोटे धागे होंगे, तो उसमें से एक धागा काटोगे, उसको आग लगा के ऐसे सूंघोगे, तब आपको पता चलेगा ओहो हो सल्फर स्मेल आ रहा है तो ये सिल्क है। अगर सल्फर स्मेल नहीं आ रहा है तो ये सिल्क नहीं है, वो डुप्लीकेट सिल्क है। आया समझ? चलिए, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड सिस्टेइन। तापर एस्पार्टिक एसिड क्या है? ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ओके? पोलर पोलर होगा क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा ग्रुप हो गया। सी एवरी अमीनो एसिड का एक COH है, एक NH3+ है, तो इसलिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा? +1 -1 0। बट अगर एक एक्स्ट्रा ग्रुप होगा तो कोई ना कोई चार्ज होगा। तो ये एसिड है, ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो इसके पास -2 होगा एंड +1 होगा। सो दैट इज व्हाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? पोलर नेगेटिवली चार्ज्ड। बुझलो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? yes, वो नेगेटिवली चार्ज क्यों हुआ? बिकॉज इट हैज एन एक्स्ट्रा एसिड ग्रुप। तो नेगेटिवली चार्ज एसिडिक एमिनो एसिड कॉमा पोलर चार्ज फुल स्टॉप हैज एन एक्स्ट्रा COH ग्रुप इन साइड चेन। साइड चेन का मतलब क्या होता है? आर ग्रुप। तो जो आर ग्रुप है उसमें एक एक्स्ट्रा एमिनो एसिड चेन होगा। कोई शक? समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? बोलो, एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो इसका नाम पड़ जाएगा एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप उसको मोनो एमिनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। कैन यू टेल मी व्हाई इट इज लाइक दैट नितो? क्यों हम उसको ऐसा नाम बोलेंगे? जल्दी बताओ। सो उसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और एक एमिनो एसिड। फैंटास्टिक, समझ में आ गया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए
negatively charged has an extra CH group inside chain. Now इसमें हम एक और point यहाँ लिख सकते हैं क्या? The at pH 7 चार्ज कितना होगा? -1. समझ रहे हो? तो at pH 7 उसका -1 चार्ज होगा. क्यों बोलो? -2 + 1 = -1. कोई शक? कॉमा इट हैज ए बीटा COH ग्रुप. ओके, इसको हम यहां लिख देने से होगा ना. इसको यहां लिख लेते हैं. इट हैज एन एक्स्ट्रा बीटा COH ग्रुप. ओके, इट हैज एन एक्स्ट्रा बीटा COH ग्रुप. क्या मतलब है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा COH ग्रुप? सर, COH ग्रुप रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ. नो. अब हर समय याद रखो, अल्फा का मतलब हमने क्या लिखा था? कार्बन क्लोजेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप. तो इसका मतलब R में एक और CH2 होगा, फिर COH होगा. तो इसलिए उसका जो R ग्रुप कैसा हो जाएगा? उसका R ग्रुप हो जाएगा बॉन्ड CH2 COH. समझ में आया? तो जहां हम लोग R लिखते हैं तो उसमें CH2 फिर COH लिख दोगे. कोई शक? Awesome. अरे गधों, हमने ये लिखा था सी अल्फा COOH, है कि नहीं? NH2H, ये R है. तो अब ये अल्फा है तो ये CH2 क्या हो जाएगा? बीटा. इसके ऊपर क्या हो जाएगा? COOH. कोई शक? तो समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा COH ग्रुप. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट. चलिए, तो अब आ जाइए. तो अब सेम चीज हम लोग लिखेंगे किस में? इसमें ऑल्सो लिखेंगे, देखो, फाउंड इन एसिडिक प्रोटीन्स लाइक ब्लड प्रोटीन. तो ब्लड में जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वो एसिडिक प्रोटीन्स होता है, इसलिए वहां ये बहुत ज्यादा मिलेगा. अब सेम पॉइंट हम लिख देंगे कहां? ग्लूटामिक एसिड में. तो ग्लूटामिक एसिड में बिल्कुल सेम पॉइंट हम लिख देंगे, क्योंकि वो भी एसिडिक एमिनो एसिड है. हर चीज वैसा ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? उसका R का, हाँ, लोकेशन उसका जो लोकेशन थोड़ा सा अलग होगा. फाइन, इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट. तो अब हम लोग लोकेशन में उसका क्या लिख देंगे? गामा COH ग्रुप. ये इसको मैं Y लिख देता हूँ. हाँ, गामा COH, Y नहीं है ये, गामा है. तो याद रखना, तो ये CH2 COH. कोई शक? नो सर. चलिए, तो क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा फाउंड इन, पर इसको मैं काट दे रहा हूं. ब्लड प्रोटीन्स, एसिडिक प्रोटीन्स, कॉमा ब्लड प्रोटीन. फिर उधर चला जा रहा है. तो क्या किया जाए, थोड़ा इधर खींच किया जाए. हो गया. अब आ जाइए फिनाइल एलानिन. तो फिनाइल एलानिन कुछ खास नहीं है, ये एरोमेटिक होता है. तो एरोमेटिक कॉमा कहाँ गया? इसको कुछ अंडू करने से गड़बड़ हो जाता है. एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर. ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर.
ग्लाइसिन, ग्लाइसिन भी एक खतरनाक एमिनो एसिड है, समझ रहे हो? तो ग्लाइसिन इज ऑल्सो खतरनाक, तो वो क्या करेगा? तो उसमें लिखेंगे स्मॉलेस्ट, ठीक है? क्यों? इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, स्मॉलेस्ट कॉमा सिंपलेस्ट। कैन यू टेल मी वन प्रॉपर्टी उसका सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, तो एक प्रॉपर्टी बताओ क्या गड़बड़ है? ये एक अजग, ये एक अलग सा प्रोटीन है, बताइए व्हाट इज द ऑड थिंग हियर, तो क्या नहीं होगा ये? जल्दी जल्दी जल्दी, ये ए काइरल है, ओके, दिस इज ए काइरल या सिमेट्रिक। अरे दो तो हाइड्रोजन हो गया ना, तो चार अलग अलग ग्रुप हुआ क्या? इसलिए वो काइरल नहीं होगा, स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट ए काइरल, ओके। नाउ तो याद रखिए, ओके, इट, ये उसका फिजियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस ए 180 डिग्री लिखना पड़ता है, 180 डिग्री टर्न, या उसको हम हेयर पिन लूप कहते हैं, हेयर पिन लूप, ओके, या बीटा बेंड कहते हैं इन प्रोटीन्स, ओके, बीटा बेंड इन प्रोटीन्स। तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली दिस इज द यूनिकनेस ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है? तो वो जहां आएगा इमीडिएटली 180 डिग्री उलट जाएगा। सपोज हम प्रोटीन जा रहे हैं ईस्ट के तरफ, जैसे ही ग्लाइसिन आया वो फिर प्रोटीन वेस्ट के तरफ ग्रो करेगा, फिर ग्लाइसिन आया ईस्ट की तरफ ग्रो करेगा, फिर ग्लाइसिन आया वेस्ट की तरफ ग्रो करेगा, तो आपका प्रोटीन ऐसे उलटता पिलटता रहेगा। अंडरस्टूड? अब आशा जी आपके इन सुंदर जुल्फों का राज बताइए। अल्फा हेलिक्स, समझ रहे हो? तो ये जो जुल्फे हैं आपकी, ये इतनी सुंदर क्यों हैं? एंड आप जानते नहीं हो कितना तगड़ा है तुम्हारे जुल्फे, पूरा ग्रिल में बांध के उखाड़ सकते हो, कोई जेसीबी फेसीबी का जरूरत नहीं है। आजकल भूमि लोग क्या कर रहे हैं, भूमि जैसी लड़कियां जुल्फों में बांध के एम्बुलेंस को खींच के बाहर निकाल दे रही हैं कीचड़ से। अब एड देखते हो कि नहीं गार्नियर का, मैंने चुट्टी रे बांधी की भीड़ी आनुचंती, तो कितना लकी उसका हस्बैंड होगा, उसका चोटी पकड़ पकड़ के घुमाएगा, क्यों वो टूटेगा नहीं? तो पनिश कैसे किया जाएगा भूमि को, ऐसे चोटी पकड़ के ऐसे घुमाओ, हाय 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 ऐसे। तो अगर आपका चोटी में ग्लाइसिन आ गया वो टूट जूगा, टूट जू तड़क करके नी चोटी तेरा टूट जू, समझ रहे हो? तो अगर ग्लाइसिन आ गया बेटा तुम्हारा चोटी में, तो अब घुमाते घुमाते टूट जाएगा एंड फिर आप टेंजेंशियली आउटवर्ड उड़ जाओगे। तो इसलिए ग्लाइसिन जो है वो अल्फा हेलिक्स को डिस्ट्रॉय करता है। एंड जितना ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन। देखो ट्रूमेंस में लिखा होता है एंड उसको कालू लोग टिप लेते हैं कि हीम बनाता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीम। अरे बाबा, हीम तो नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट में ग्लाइसिन का कौन सा रोल है? तो एक्चुअली वो क्या लिखना चाहिए था, हीमोग्लोबिन। तो जो ग्लोबिन पार्ट है वो क्या है, वो आपका प्रोटीन है, तो उसमें बीटा शीट होगा। तो आप देखो क्या हो रहा है, बीटा शीट में हमने क्या देखा था, 180 डिग्री टर्न होगा। तो देखो ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, तो देख रहे हो प्रोटीन क्या हो रहा है,
सिर्फ टर्न हो रहा है, 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 देख रहे हो कि नहीं? मतलब वो इतने से जगह से आगे बढ़ ही नहीं रहा, जबकि ग्लाइसिन नहीं होने से क्या होता है, ऐसे होता, समझ रहे हो? तो जैसे ही ग्लाइसिन आएगा वो 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, अंडरस्टैंड? बाकी हम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ओके, मायोग्लोबिन, मायोसिन एटसेट्रा, ओके। तो इसलिए ग्लाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, याद रखेंगे। हिस्टिडिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है। तो ओनली अमीनो एसिड टू हैव पॉजिटिव चार्ज एट पीएच 7, मतलब फिजियोलॉजिकल पीएच। So, an active component of what? ये अगर आप मेरे क्लास के वीडियोस देखोगे, ये हमारा 3-4 दिन चलता है, तो बहुत ज्यादा लिखा होगा, अगर आपको चाहिए तो देख सकते हो, बट एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसलिए आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा है। तो ओनली अमीनो एसिड टू हैव प्लस चार्ज एट pH 7, pH 7, एंड so an active component of enzyme active sites buffers etc, it has an imidazole side chain। तो उसके साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडाजोल। चलिए, तो आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, ओके। तो आइसोल्यूसिन में क्या लिखेंगे, सेम